आपको बता दें, फरीदाबाद में दिन दहाड़े स्कूली छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। 11वीं कक्षा का छात्र जिसकी चाकुओं से गोद करके निर्मम हत्या की गई है, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्ममता से हत्या कर दी गई 11वीं के छात्र की। हमलावरों की संख्या करीब 10 बताई जा रही है। स्कूल से दोस्तों के साथ घर लौट रहा था छात्र, सभी हमलावर 3 बाइक पर सवार होकर के पहुंचे थे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद में दिन दहाड़े स्कूली छात्र की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। छात्र की हत्या का मामला, 10 से ज्यादा हमलावरों ने चाकुओं से गोद करके निर्ममता के साथ छात्र की हत्या की। दिल्ली मुंबई लिंक रोड का यह मामला है, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सभी हमलावर 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर के पहुंचे थे और करीब 10 बताए जा रहे हैं कि 10 जो है वो आरोपी थे। 10 आरोपी और एक छात्र, ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई है कि किस तरह से बाइक पर सवार होकर के ये लोग जो हैं आरोपी पहुंचे और उस छात्र पर इन्होंने हमला किया। 5 बजे सूचना मिली थी भी किसी नौजवान लड़के का, किन्हीं लड़कों ने चाकू मारकर कत्ल कर दिया है और उसको डेड बॉडी मेट्रो स्थल आई हुई है। जो इस सूचना पर हम तुरंत मौके पर पहुंचे और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह कराया और घर वाले ने जो बयान दिए उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बारे में पूरी छानबीन कर रहे हैं और पुलिस लगी हुई, शीघ्र अतिशीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुँचा गया। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में, कब की ये वारदात और क्यों की गई है इस छात्र की हत्या? बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बता देता हूँ, फरीदाबाद सेक्टर 58 इलाके में मंगलवार देर शाम 11वीं के जो पढ़ने वाला छात्र चाकू से उस पर हमला कर दिया गया था। छात्र स्कूल से साथियों के साथ घर लौट रहा था और हमलावर की संख्या 10 बताई जा रही, सभी 3 बाइक पर सवार होकर आए थे और करीब हमलावर ने कुछ छात्र से शामिल हो गए तो उन्होंने जो दिल्ली मुंबई लिंक रोड नगला से भरतपुर की ओर जा रहा था वही रास्ते के विपिन नामक छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया और पुलिस के साथ इस मामले में यह सीसीटीवी लग गए हैं कि मुकदमा दर्ज करने पर पुलिस इनकी तलाश में जारी है। तो इसी बात को लेकर जो ग्राम के आसपास के जो लोग आज वो फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाने में पहुंचे, उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, साफ तौर पर कहा कि जल्दी जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी कर ली गई और नहीं तो हम उससे बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसी बात का विपिन लहूलुहान हो गया, सड़क पर गिर गया तो हमलावर उसे मारा हुआ जानकर भागे थे। छात्र को अस्पताल ले जाया गया तो उसकी जान नहीं बची। तो घटनागत के गांव से करीब 500 मीटर पहले हुई है और गांव के लोगों ने विपिन को पहचान लिया है। लोगों ने उनके परिजनों को इस बारे में बताया परंतु उनके मौके पर पहुंच गए थे। तो परिजनों ने विपिन को मेट्रो अस्पताल लेकर पहुंचे हैं जहां डॉक्टर ने उसे मृत बताया गया। वारदात के दौरान हमलावर ने विपिन के साथ मौजूद दोनों स्टूडेंट से कुछ नहीं कहा। तो वहीं जो थाना प्रभारी है उन्होंने कहा कि विपिन नामक छात्र की हत्या हुई है और पुलिस ने इस घटना के संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जितेंद्र। तो हमलावरों की संख्या 10 के करीब बताई जा रही है और एक स्कूली छात्र की हत्या की गई है, चाकुओं से गोद करके निर्ममता के साथ हत्या की गई। सभी हमलावर 3 बाइक पर सवार होकर के पहुंचे थे। फरीदाबाद में दिन दहाड़े स्कूली छात्र की यह हत्या का मामला है।